हम देखेंगे इसमें कि S17 प्लस जैसे बहुत से लोगों ने कहा है कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, कंपनी ने बनाने में गलती कर दी है और ये फ्लॉप मॉडल है। तो आज इसका पोस्टमार्टम करेंगे, देखेंगे क्या इसमें प्रॉब्लम्स थी और क्यों ये बेकार मशीन हो गई, मतलब फ्लॉप हो गई, और क्यों ये मेरी नज़रों में ये काफ़ी सक्सेसफुल मशीन है, बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में बहुत ही अच्छी मशीन है। तो चलिए मोबाइल को स्टैंड में मैं लगाता हूँ, फिर इसको देखते हैं क्या इसमें खामियाँ हैं और मैं क्यों इंपोर्ट कर रहा हूँ और क्यों मैं ये मशीनें सबको रिकमेंड कर रहा हूँ, ये भी आगे वीडियो में देखते हैं। ठीक है, मोबाइल स्टैंड में मैंने लगा लिया है और मोबाइल नीचे छूट गया। तो ये जो आपको दिख रहा है S17 प्लस 76 TeraHertz वाली, आई मीन S17 सीरीज या T17 सीरीज जो भी सीरीज है, इसमें क्या है कि ये अपग्रेड वर्जन है। अपग्रेड वर्जन क्या है तो चलिए मैं दिखाता हूँ पहले आपको अपग्रेड वर्जन क्या है, और वीडियो पूरी देखिएगा ताकि पूरी बात मेरी समझ में आए आपको कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो चलिए देखते हैं, ये अपग्रेड वर्जन है। तो अपग्रेड वर्जन क्या है और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, हमें अपग्रेड करने की क्यों ज़रूरत पड़ी, इसको खोल लेते हैं मशीन को। मशीन में हम खोल रहा हूँ बाहर और आपको दिखाता हूँ अपग्रेड वर्जन क्या होती है। एक्चुअल में अपग्रेड वर्जन किसे बोलते हैं, काफ़ी कुछ खोलना पड़ेगा अपग्रेड वर्जन दिखाने के लिए। ये हीट सिंक है, ये हैशबोर्ड है, इसको हैशबोर्ड बोलते हैं, 1 2 3 3 हैशबोर्ड लगे हैं इसमें। ठीक है, तो भी बाहर निकालते हैं। खोल लिया, अब हमें ये निकालना होगा। खोलना है, ये पावर सप्लाई के लिए कनेक्शन है, बस बार इसको बोलते हैं, इसको बस बार बोलते हैं, जहाँ से इसको सप्लाई दी जाती है पावर सप्लाई की, क्योंकि हैवी लोड रहता है तो यहाँ पे वो वायर नहीं काम कर सकते हैं, वो ख़राब हो जाएगा। अब वैसे भी ये ज़रा सा भी लूज रहता है तो बहुत ज़्यादा गर्म होने लगता है। फिलहाल अब हम इसको हैशबोर्ड को बाहर निकालते हैं और देखते हैं अपग्रेड वर्जन एक्चुअल में है क्या। तो ये मैंने एक हैशबोर्ड निकाल लिया, देखो नॉर्मल हीट सिंक है, ये कंपनी लगा करके देती है। फिर अपग्रेड वर्जन में क्या होता है, ये हीट सिंक लगाई जाती है यहाँ पे, ये अपग्रेड हो गया, ये आपका ओरिजिनल हो गया जो कंपनी लगा करके दी। देखो ये बैक साइड में छोटी हीट सिंक है, ये नहीं निकलती है, ये इसे PCB से जुड़ी रहती है, ये नहीं निकलती है। अब ये वाली जो हीट सिंक है, देखो दोनों में कंपेयर कर सकते हैं, ये वाली हीट सिंक IC पे चिपकी रहती है, ये जो है IC पे चिपकी रहती हैं। और इसमें प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, जैसा कि लोगों ने बोला कि बहुत ही बेकार मॉडल है, बहुत ही सेंसिटिव मॉडल है। सेंसिटिव इसलिए है, इसमें जो रंगा यूज होता है वो लो टेम्परेचर पे ही पिघल जाता है, तो जिसकी वजह से एक वो भी है, लेकिन उससे विशेष प्रॉब्लम नहीं होती। जब मशीन ओवर हीट होगी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाएगा, 90 डिग्री के ऊपर जाने लगेगा, 80-90 डिग्री, तब वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं, IC अपनी जगह से हट जाती हैं। मैं एक अब इसमें ये अब जो विदाउट अपग्रेड वाला है इसमें क्या प्रॉब्लम्स आती थी वो मैं दिखाता हूँ। ये जो हैशबोर्ड है मशीनों में अंदर फिट होती थी, तो जरा सा अभी शिपिंग में कोरियर में इधर उधर करने पे इस तरह से निकल जाती थी, हीट सिंक निकल जाती थी। मैं आपको डिटेल में थोड़ा नज़दीक से दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या आती थी, ये जो हीट सिंक है ये छोड़ देता था IC से, क्योंकि इसमें क्या था कि IC पे ही यहाँ पे वेल्ड होता था, IC पे ही, देखिए ये न्यू IC है, यहाँ पे जो है
रांगे या टीन से इसको ज्वाइंट कर दिया जाता था, बेल्ट के कर दिया जाता था फ्लक्स लगा करके गर्म करके। अब इसमें क्या प्रॉब्लम्स आती थी ना कि ये जो है जरा सा भी ऐसे जोर से ठोकर लगता था, ये जरा सा भी ऐसे दबता था या कहीं पे भी इधर उधर दब गया जरा सा भी तेज, हाँ तो पाटा से निकाल जाता था, आईसीआई इस तरह से छोड़ देता था। ठीक है, ब्लैक कलर हो गई ना आईसीआई, ये छोड़ देता था यहाँ से। फिर इसको लगाना बहुत मुश्किल हो जाता था, ये जहाँ पे जोड़ नहीं पाते थे, इस तरह से होना चाहिए तभी इस पर ज्वाइंट होगा। ये देखो ब्लैक कलर हो गया ना, डार्कनेस कार्बन बैठ गया है, इस पर ज्वाइंट करना बहुत कठिन था। हालांकि उसका भी सोल्यूशन आ गया है, हाँ इस पर लगा करके जो हम अच्छे क्वालिटी का पेस्ट यूज करके इस पर वेल्ड कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स यही थी, ये हीट सिंक निकल जाता था, इसीलिए लोगों ने बोला ये फ्लॉप मॉडल है, ये अच्छा नहीं है, सक्सेस नहीं है। रीजन क्या था कि कभी कभी हीट सिंक निकलती थी, ये जो आईसिया होती थी ना, ये आईसिया जो है टूट जाती थी, क्रिस्टल की होती थी आईसिया। अब मान लीजिए तेजी से दाब पड़ता है इस पर तो ये आईसिया टूट जाएंगे, निकल जाएंगे। आईसीयू के साथ कभी कभी निकल जाता था, हालांकि आईसीया टूट करके निकल जाती थी मैक्सिमम, ये था आईसीया किसी के टूट जाती थी। इसमें देखिए फ्रेश निकला है, इसका मतलब ये हैशबोर्ड वर्किंग में है, ये हैशबोर्ड चलेगा क्योंकि आईसीयू में कोई डैमेज नहीं है। पर ये ओवर टेम्परेचर हो जाएगा, यहाँ पे हीटिंग नहीं लगेगा तो ओवर टेम्परेचर हो जाएगा, जिसकी वजह से ये गर्म होकर बार बार स्टार्ट होगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस मशीन में S17 T17 सीरीज में जो भी मॉडल है, T17 में जैसे कि T17 42 टेराएस हो गया, और S17 में जो है 53 टेराएस हो गए, S17 प्लस 76 72 टेराएस हो गए। इन सब में यही प्रॉब्लम थी सबसे बड़ी कि ICO पे ही हीट सिंक को चिपका दिया गया था, तो जिसकी वजह से ये जरा सा भी जरूरत पड़ता था तो आईसिया निकल जाती थी इसमें, तो इस पर हीट सिंक लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो इसकी जगह से इसका सोल्यूशन निकाला गया कि क्यों ना सभी हीट सिंक को बाहर निकाल दिया जाए, सभी हीट सिंक को बाहर निकाल दिया जाए, हीट सिंक रहने ही ना दिया जाए। जो कंपनी आईसी पे चिपकाई है हीट सिंक, उसको हम वहाँ से निकाल करके आईसी पे न चिपका करके इस तरह से ब्लॉक यूज करके, इस तरह से ब्लॉक यूज करके, ऐसे ये किसी और मशीन का है तो इस तरह से ब्लॉक यूज करके हम लोग जो है इसको अपग्रेड कर दिया जाए, और ये जो है पीसीबी में बेल्ट कर दिया जाए। यहाँ पे देखिए नट बोल्ट से लगे हुए हैं, ये इस पीसीबी में ही बेल्ट है वो, ये हीट सिंक। तो वो लफड़ा खत्म हो गया, ये वाला निकलने वाला लफड़ा खत्म हो गया हीट सिंक का। उसके बाद क्या है, ये बेल्ट होने की वजह से ये पूरा मजबूत हो गया है, अब हीट सिंक कोई निकलने का लफड़ा ही नहीं है। आईसीआर जो है इसमें क्या है, पेस्ट के साथ थर्मल पेस्ट या थर्मल पैड लगा करके आईसीयू पे हीट सिंक लगा दिया गया, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यही मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था जिसकी वजह से ये मशीनें फ्लॉप हुई थी। अब ये मशीनें फ्लॉप और बदनाम हो गई कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, जिसकी वजह से प्राइस बहुत लो हो गई मार्केट में, इसकी डिमांड कम हो गई। जब डिमांड कम हुई तो इसकी प्राइस बहुत लो हो गई, और इसीलिए बहुत सस्ते में मिल रही हैं, इसीलिए मैं बार बार इंपोर्ट कर रहा हूं। और सबसे बड़ी खासियत ये है, ये अंट माइनर है, अंट माइनर रिपेयर करना ज़्यादा ईजी है भाई, इसके सारे कंपोनेंट मिल जाएंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम रहती है ये सारे कंपोनेंट्स मेरे पास है, मैं इसको बहुत ही ईजिली रिपेयर कर लेता हूँ, इसीलिए मैं इसमें रिस्क लेता हूँ। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी क्यों ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था, हीट सिंक की वजह से मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था, और लो टेम्परेचर आईसी होने की वजह से। यदि ये मशीन ओवर हीट होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इसका हाई हो जाएगा, तो भी ये मशीन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। प्रॉब्लम क्या आएगी, जो कंपोनेंट लगे हुए हैं ये अपनी जगह से हिल जाएंगे, क्योंकि जब टेम्परेचर हाई होगा तो ये जो इसमें रंगा या टिन लगा हुआ है ये खसकने लगेगा, पिघल जाएगा ये, तो इसकी वजह से ये इधर उधर हिल जाते थे। तो वो कब होगा, जब भाई हद से ज़्यादा टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे, 85-90 डिग्री के ऊपर जाने लगेगा, 100 डिग्री पे आप चलाने लगोगे मशीनें, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आएगी। 100 डिग्री मैं बोल रहा हूँ मशीन में जो डैशबोर्ड पे दिखाता है पीसीबी का टेम्परेचर या चिप का टेम्परेचर, जो चिप का टेम्परेचर रहता है वहाँ पे 100 डिग्री तक जाने लगेगा, तब वो आईसी अपनी जगह से हट जाएंगी, तब वो मशीन चलना बंद कर देगा। तो टेम्परेचर तो किसी में भी मेंटेन करना है आपको, नहीं मेंटेन करते तो आईसी चल जाएंगी, तो वो तो कॉमन बात है, वो कोई बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन ये जो हीट सिंक गिरने वाली प्रॉब्लम थी इसका ये सोल्यूशन है, इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा अपग्रेड वाले, जो भी मैं कस्टमर को प्रोवाइड करता हूँ अपग्रेड वाले प्रोवाइड करता हूँ, हालांकि इसका भी सोल्यूशन है। अब इन दोनों में अंतर मैं बता दे रहा हूँ क्या है, इसको इमर्शन कूलिंग में यूज करेंगे हम लोग तो प्रॉब्लम्स आएगी, इसको इमर्शन कूलिंग में नहीं यूज कर सकते, इसको बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हैं। मान लीजिए ये हीट सिंक इस पे लगा हुआ है, अच्छे से बेल्ट है, तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, अच्छे से कूलिंग, ये टेम्परेचर पूरा बढ़िया से जाएगा, इसमें हीट एब्जॉर्ब करेगा ये, और ऑयल कूलिंग में परफेक्ट रहेगा ये, हाँ। और ये हीट सिंक तभी गिरेंगे जब ये फिजिकल डैमेज होगा भाई, आप गिराओगे इधर उधर मशीनों को, हाँ शिपिंग में जाएगा तब गिरने के चांसेस रहते हैं, पर ये नहीं कि वो लगेंगे नहीं, लग भी सकते हैं, लगते भी हैं वो, हाँ। अब इसमें क्या है, इसको आप ऑयल कूलिंग करते हो इस मशीन को,
तो इसमें जो थर्मल पैड लगे, थर्मल पेस्ट लगे हुए हैं, यह थर्मल पैड है तो ठीक है, थर्मल पेस्ट लगे तो घुल जाएंगे, ऑयल में धुल जाएंगे, तो फिर ये टेम्परेचर हाई होने लगेगा इसका भी। तो इसलिए मैं ऑयल कूलिंग के लिए अपग्रेड हीट सिंक नहीं रिकमेंड करता हूँ। मैं सोचता हूँ, मैं बोलता हूँ यही नॉर्मल वाला आप यूज करो जो कंपनी बना के दिया, नहीं तो उसमें थर्मल पैड डालो आप, ठीक है। थर्मल पैड चूंकि कॉस्टली पड़ जाएगा, लेकिन ठीक है, जिसके पास अपग्रेड है वो थर्मल पैड डाल करके इमर्सन कूलिंग या ऑयल कूलिंग कर सकता है। नॉर्मली यही है, नॉर्मल आपको चलाना है तो ये बेस्ट है आपके लिए। और अंटमाइनर हमेशा पावर कम लेता है, लो पावर कंजप्शन करता है। अदर कंपनियों में जाओगे आप तो वो ज़्यादा वोल्टेज लेता है। मान लीजिए 76 टेरा है इसकी मशीन, मैक्सिमम 3000 वाट लेगी, 3 KV तक लेगी ये लोड। और किसी कंपनी में जाओगे 3500 वाट हो जाएगी। जैसे वाट्स माइनर में क्या है कि 3500 वाट तक की लाइट खींच लेगी वो, इतने 76 टेरा आयर्स देने में। इसमें क्या है 3000 वाट तक ही। हम जी अंटमाइनर बेस्ट है, इसका सारा सोल्यूशन है। सर्विस की कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो वो मैं सॉल्व कर सकता हूँ अंटमाइनर में। अदर कंपनियों क्या इन सिलिकॉन में बहुत बड़ा लफड़ा ये है कि T2T एक मॉडल है, इसमें कम से कम 4-5 तरह की ICs होती हैं। हर IC के लिए हमें एक अलग से स्टेंसिल लेना पड़ता है। अब कौन सा मॉडल है क्या है, एक मैं दिखाता हूँ। ये देख लो भाई, ये इन सिलिकॉन का बोर्ड है, इसमें मैं इसको रिपेयर कर सकता हूँ, पर इसमें डिफरेंट टाइप की ICs हैं। ये ना ही मेरे पास इसकी IC है, ना इसका स्टेंसिल है जिससे मैं IC का बॉल बना सकूँ। तो ये लफड़े हैं। अब एक बोर्ड ये है, चिपे 60 हो गई हैं, इसमें भी अलग है, ये भी T2T का ही है बोर्ड, ठीक है, लेकिन इसमें भी वही लफड़ा है, इसमें भी डिफरेंट टाइप की आई सी हैं। ऐसे बहुत है, अलग अलग टाइप की आई सी हैं, बहुत से लफड़े हैं उसमें। और अंटमाइनर में क्या है कि बहुत कम है, कुछ ही 4-5 तरह की आई सी हैं, वही सभी मॉडलों में यूज होती है। रिपेयर करना ईजी रहता है, उसका सोल्यूशन रहता है, और जो प्रॉब्लम रहती है वही प्रॉब्लम अंटमाइनर बताता है। सिलिकॉन में क्या है, वो चिप नंबर कुछ और बताएगा और प्रॉब्लम किसी और चिप में रहेगी, फिर उसको सही करो फिर कुछ और बताएगा। ये लफड़े हैं, बहुत ही सेंसिटिव होता है सिलिकॉन, लेकिन ठीक है, मशीनें चलती हैं। अंटमाइनर मेरे समझ से बहुत बेस्ट है, इसकी पावर सप्लाई बहुत बेस्ट है, ये लो पावर पे भी चल जाता है, बार बार रिस्टार्ट नहीं होता है, और काफ़ी हैवी पावर सप्लाई देता है अंटमाइनर। ये चीज़ होती है। तो मैंने जो फ्लॉप होने का रीज़न बताया था, हीट सिंक गिर जाना, उसकी जगह हमें अपग्रेड कर दिया गया है हैशबोर्ड, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है फिलहाल। तो मेरी समझ से तो बेस्ट मशीन अंटमाइनर है, अंटमाइनर में 17T17, चूँकि मार्केट में एक हवा बन गई है कि बहुत बेकार मशीन है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, इसलिए इसकी डिमांड कम है और जिसकी वजह से प्राइस कम है। यदि मशीन मिलती है आपको अच्छी कंडीशन में मिलती है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है उसमें, मशीन में बेस्ट कंडीशन में मशीन मिलती है, तो बहुत दिन तक चलेगी भाई, और बहुत बेस्ट, बहुत ही स्टेबल चलेगी मशीनें। अंटमाइनर की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, वाट्स माइनर वगैरह भी हैं, लेकिन अंटमाइनर मेरे लिए बेस्ट इसलिए है क्योंकि मेरे पास इसका सोल्यूशन है। और रही बात जो थोड़ी सी प्रॉब्लम थी हीट सिंक की, तो वो हीट सिंक वाला सोल्यूशन निकाल लिया गया है काफ़ी अच्छे से। अब इसको वापस लगा देते हैं, फिर इसका टेस्टिंग करते हैं क्या हैश रेट आ रहा है, चूँकि ये मशीन आई है, इंपोर्ट हुई है कस्टमर को डिलीवर करने के लिए, प्री बुकिंग थी। तो अब देख लेते हैं, वापस से मैं नट बोल्ट लगाते रहूँ बस बार में इसे। तो इसको हैश बोर्ड बोलते हैं, ये तीनों हैश बोर्ड है, तीन हैश बोर्ड है, जैसे आप ये GPU वाले जितने भी हैं, ग्राफिक ग्रिड वाले रिग जो जिनके पास है उनके लिए समझ बता दूँ मैं कि ये मदरबोर्ड आप समझ लो, इसको कंट्रोल बोर्ड बोलते हैं, ये मदरबोर्ड है, ये ग्राफिक कार्ड है, इसको हम लोग हैश बोर्ड बोलते हैं, आप ग्राफिक कार्ड समझ सकते हो, ये कंट्रोल बोर्ड बोलते हैं, ये मदरबोर्ड है, और यही ऑपरेट करता है, इसको आप राइजर समझ लो, खत्म बात, कोई लॉजिक नहीं है भाई, ये पावर सप्लाई है, इसमें इनबिल्ट है, तो बाकी फैन लगे हुए हैं GPU के, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस नॉर्मली समझो ये कंट्रोल बोर्ड है जो कि पूरा कंट्रोल मदरबोर्ड की तरह काम करता है, ये हैश बोर्ड है जो कि ग्राफिक कार्ड की तरह से काम करता है बस, और इसमें जो है पावर सप्लाई है और कुछ नहीं है भाई। फटाफट इसको लगा लेते हैं। अभी भी हीट सिंक का यदि कोई डाउट्स होगा आपको, अपग्रेड का या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट का कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लेना। और मैं इसलिए मैं बता रहा हूँ ये मशीन बेस्ट है क्योंकि मैं रिपेयर कर रहा हूँ भाई, मुझे ज़्यादा परफेक्ट लग रही है अदर कंपनियों से, ज़्यादा परफेक्ट अंटमाइनर लग रहा है। और एक चीज़ जान लो, अंटमाइनर हमेशा माइनर ऑफ किंग ही रहेगा क्योंकि सबसे पहले टेक्नोलॉजी उसी के पास आई, सबसे ज़्यादा ट्रस्ट अंटमाइनर पे ही किया जाता है। और
और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का मशीनें हमेशा बनाता है। और अंट माइनर में एक चीज़ और है, ये खुद के लिए मशीनें बनाता है, ना कि आपके लिए बनाता है। तो आप ये चीज़ें हो जाइए कि वो आपको पहले मशीन प्रोवाइड करा देगा, मशीनें खुद बनाता है, खुद माइनिंग करता है, उसके बाद लगता है कि अब कोई विशेष माइनिंग नहीं, प्रॉफिट नहीं है, इसीलिए वो प्रोडक्ट को सेल करता है। कुछ लोगों का कहना है कि वही पुरानी मशीनें ही सेल कर देता है, ऐसा नहीं है भाई, उसकी खुद की रेपुटेशन है, वो इतना भी ख़राब नहीं करेगा। हाँ, अब मैक्सिमम अंट माइनर हाइड्रो पावर प्लांट पे चला गया है, वो ऑयल वाटर कूलिंग में है, क्योंकि उसके जितने भी माइनिंग सेटअप है, चलिए बाद में डिस्कस करेंगे, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा इस पर, ये अलग एक टॉपिक हो जा रहा है। फिलहाल ये अंट माइनर सबसे बेस्ट माइनर मुझे लगता है, इसमें जो भी मॉडल आते हैं, और हीट सिंक अपग्रेड वाली जो हीट सिंक वाली प्रॉब्लम जो थी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वाली, मैंने बता दिया है, एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा अपग्रेड और नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट में क्या प्रॉब्लम थी। चलिए फिलहाल ये कस्टमर का चेक करते हैं मशीन और उसको डिलीवर करते हैं।